गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस इंडियन फिटनेस रिवोल्यूशन फैमिली में। आज हम बात करेंगे पुश पुल लेग वर्कआउट रूटीन के डे टू यानी कि पुश डे के बारे में। डे वन जो कि था पुल डे, वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे डे टू यानी कि पुश डे के बारे में, जहां पर मैं करने वाला हूँ चेस्ट शोल्डर एंड ट्राइसेप का एक्सरसाइज। यहां पर मैं करूंगा चेस्ट के लिए 4 एक्सरसाइज, शोल्डर के लिए 3 एक्सरसाइज एंड ट्राइसेप के लिए 3 एक्सरसाइज। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको इतना हाई वॉल्यूम वर्कआउट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप यहां पर चेस्ट के लिए कोई भी 2 एक्सरसाइज या 3 एक्सरसाइज चूज कर सकते हैं, शोल्डर के लिए कोई भी 2 एक्सरसाइज एंड ट्राइसेप के लिए कोई भी 2 एक्सरसाइज आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। पहले एक्सरसाइज मैं करता हूँ इनक्लाइन बारबेल बेंच प्रेस। यहाँ पर मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बारबेल आपको आपके शोल्डर विड्थ जितना है उसके हिसाब से पकड़ना है। वेट को हमेशा स्लो एंड कंट्रोल मैनर में नीचे लाना है। ये मैं करने वाला हूँ पहले 2 वार्म अप सेट और उसके बाद 3 वर्किंग सेट। सेकेंड एक्सरसाइज यहाँ पर मैं करने वाला हूँ मशीन चेस्ट प्रेस। यहाँ पर जो सीट है उसका एडजस्टमेंट आपको आपके हाइट के हिसाब से करना है, ताकि मशीन का जो हैंडल है वो आपके लोअर चेस्ट के लाइन पर ही रहे। और ये मैं करने वाला हूँ 3 वर्किंग सेट, रिपीटेशन वही रहेगा 8 से 12 रिपीटेशन। थर्ड एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ मशीन फ्लाइंग। इसको हमें करना है फुल रेंज ऑफ मोशन में, यानी कि अपने हाथ को पूरी तरह से खोलना है और ऊपर जाकर पूरी तरह से जॉइंट करना है। तो ये भी मैं करने वाला हूँ 3 सेट, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन थोड़ा ज़्यादा लगाता हूँ, वो है 10 से लेकर 15 रिपीटेशन तक। फोर्थ एक्सरसाइज मैं करता हूँ इनक्लाइन मशीन बेंच प्रेस। ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं एक कंपटीटर हूँ और मुझे अपर चेस्ट को थोड़ा नेक्स्ट लेवल तक डेवलप करना है। और इसे भी मैं करने वाला हूँ 3 वर्किंग सेट, रिपीटेशन यहाँ पर वही रहेगा 8 से लेकर 12 रिपीटेशन। अब हम करेंगे शोल्डर वर्कआउट। मैं शोल्डर वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ साइड लैटरल लेजेस से। यहाँ पर मैं करता हूँ 4 वर्किंग सेट 10 से लेकर 20 रिपीटेशन तक। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ मशीन शोल्डर प्रेस। इसे मैं करने वाला हूँ 3 सेट, रिपीटेशन रहेगा 8 से लेकर 12 रिपीटेशन तक। थर्ड शोल्डर एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ लैटरल लेजेस, लेकिन ये मैं करने वाला हूँ केबल पे। इसका एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, और इसका जो केबल का हाइट का एडजस्टमेंट है वो आपको अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर रिपीटेशन रहेगा 10 से 15 रिपीटेशन और सेट में वही लगाने वाला हूँ 3 सेट। लास्ट शोल्डर एक्सरसाइज में लगाने वाला हूँ रियर डेल्ट फ्लाइज। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी वेट नहीं लेना है, लाइट वेट के साथ पूरे कंट्रोल मैनर में आपको करना है। और यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ 15 से 20 रिपीटेशन और सेट्स रहेंगे 3 सेट। अब मैं करने वाला हूँ ट्राइसेप का एक्सरसाइज, जिसमें मैं स्टार्ट करता हूँ केबल पुश डाउन। यहाँ पर मैं करूँगा 3 सेट, रिपीटेशन रहेगा 10 से 15 रिपीटेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ मशीन पुश डाउन। यहाँ मैं करने वाला हूँ 3 सेट और यहाँ पर मैं थोड़ा हेवी वेट यूज करता हूँ और रिपीटेशन यहाँ पर रहेगा 8 से लेकर 12 रिपीटेशन तक। जो लास्ट ट्राइसेप एक्सरसाइज मैं करता हूँ वो है रिवर्स पुश डाउन। यहाँ पर मैं करने वाला हूँ 3 सेट, रिपीटेशन रहेगा 10 से लेकर 15 रिपीटेशन। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, कुछ भी मदद कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने इस फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी सब्सक्राइब बटन को दबा दो। और आप सबके प्यार एंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेगा भाई नेक्स्ट वीडियो।